हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बनाएंगे सूजी का अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस हलवा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो ये हमने सूजी ली है, साथ में देसी घी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मैंने ओनली बादाम लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया, इसके अंदर हमने डाल दी सूजी। अब हमें सूजी को भूनना है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर घी डालेंगे और इसको सेक लेंगे। आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो सूजी जो है वो जल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको भूनना है। जैसे ही सूजी भुनेगी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से सिक गई है। और इधर हमने दूसरी साइड पे रख दिया है पानी, क्योंकि सूजी का जो हलवा है उसके अंदर गर्म पानी का यूज करते हैं। सूजी जो है वो अच्छे से सिक गई है, अच्छी खुशबू आने लग गई है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल नहीं भूनते हैं, वाइट की वाइट नज़र आती है, जो मुझे बड़ी अजीब लगती है हलवा इसका खाने में। बट मैं तो जब तक ब्राउन नहीं हो जाती तब तक चैन नहीं पड़ता मुझे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी। गैस का फ्लेम जब हम गर्म पानी डालेंगे बिल्कुल स्लो कर लेंगे और अब हम हाई करेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने चीनी ली है उसको। चीनी और सूजी दोनों की मात्रा हमने सेम ली है। और घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, कम ज़्यादा, कि आप ज़्यादा चिकना खाते हैं या कम, उसी के अकॉर्डिंग आपको घी डाल लेना है। जब ये पकेगा तब इसमें इस तरीके से बबल आएंगे और धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होता जाएगा। सूजी जो है वो हमारी फूल जाती है पानी डालने से। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और मुश्किल से इसमें 5-7 मिनट लगती हैं इस हलवे को बनाने में, झटपट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम। आप देख सकते हो हमारा जो हलवा है वो कढ़ाई को इस तरीके से छोड़ने लग जाएगा। तो समझना कि हमारा जो हलवा है वो परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा जो हलवा है वो बाउल के अंदर आ चुका है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे और सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर हम इसको खाएंगे। वाओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको झटपट ट्राई करो। ओके, हैव अ गुड डे।